नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास में एक क्लास डी एम्पलीफायर आया है रिपेयर होने के लिए। इसमें दो बोर्ड लगे हुए हैं, एक बोर्ड में तो इसमें आवाज़ आ रही है लेकिन दूसरे वाले बोर्ड में आवाज़ नहीं आ रही है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों ये है, ये आईसीयू इस तरफ की तो कंप्लीट है लेकिन इस तरफ का जो वायर कटे हुए कस्टमर ने काट दिए वायर, ये नहीं चल रहा है। इसमें जो समस्या आई है, मेन समस्या ये पानी में थोड़ा भीग गया था, इस वजह से ये दिक्कत आई है। तो हो सकता है इस आईसी का पॉइंट मिले हुए हैं, इस वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। तो हम आज इस वीडियो में इसे रिपेयर करने का तरीका दिखाने वाले हैं, किस तरह से रिपेयर होने वाला है, अगर रिपेयर नहीं होता और दूसरा किस तरह से लगाया जाता है, वो भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये पानी इसमें लगा हुआ है इस तरीके से। तो क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को आप आयरन की मदद से ओपन कर लेना है। जैसे इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस वीडियो के हिसाब से ही आपको काम करना है। तो हमने हटा लिया है और आप देख सकते हो चारों तरफ ये जला हुआ है इस तरीके से, ये पॉइंट पानी की वजह से जल गया इधर से। तो हम पहले से थिनर डाल के साफ करते हैं, क्लियर करते हैं। कभी कभी ये होता है, ये पॉइंट मिले हुए रहते हैं पानी की वजह से, इस वजह से भी बोर्ड नहीं चल पाता। तो सबसे पहले तो ये आपको ये काम करना है, अगर ये नहीं रिपेयर होता है उसके बाद में आपको नया लगाना है। तो हमने साफ कर लिया है, अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। टेस्टिंग हम वापस फिटिंग करने वाले हैं, इसे फिटिंग करके फिर आपको चला के दिखाने वाले हैं कि चलता है या नहीं चलता है। तो ये स्पीकर के वायर हैं और ये बैटरी के प्लस और माइनस है। ये हम 12 वोल्ट का हमारे पास में एडाप्टर है, वो हम लगाने वाले हैं। तो ये हमने लगा दिया है इस तरीके से, ये आईसी हिट तो हो रही लेकिन चल नहीं रहा, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये हमने लगाना है नया वाला, वो पुराना वाला तो बिल्कुल डेड हो चुका है, अब नया वाला लगाना है। लगाने का तरीका दोस्तों सेम इस तरीके से है, लेफ्ट राइट यहाँ लगाना है, लेफ्ट और ये नीचे वाला, ये बीच वाला राइट है और ये ग्राउंड है। सेम इसी तरीके से वायर कनेक्ट कर लेना है, और इस तरफ स्पीकर के हैं, ये दो स्पीकर के हैं, सॉकेट है, लग जाएगा। और इस तरफ ये 12 वोल्ट लगेगा और ये ग्राउंड लगेगा। तो लगाना इस तरीके से दोस्तों, जैसे इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से लगाना, लगाना बिल्कुल आसान है इस बोर्ड को। तो अब कर देते हैं इसकी टेस्टिंग, ये सॉकेट लगा देते हैं इसमें स्पीकर वाले इस तरीके से, फिर हम टेस्टिंग आपको करा के दिखाने वाले हैं। मेरे पास में दुकान पे जो भी काम आता है वो आपके सामने फेस कर देता हूँ, जैसे ही टाइम निकाल के मैं वीडियो बना लेता हूँ। काम तो दोस्तों इतना आता है कि टाइम नहीं मिल पा लगता, लेकिन फिर भी आपको वीडियो बना के मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो ये हमने लगा दिया है, अब हम करते हैं इसमें यूएसबी लगा कर टेस्टिंग। ये हमने यूएसबी लगा दिया है और ये यूएसबी कनेक्ट हो चुका है, अब चला के दिखाते हैं आपको। तो आप सुन सकते हो इसमें मारवाड़ी सॉन्ग भजन चल रहा है, और इस तरह के से इसमें आवाज़ आ रही है, कंप्लीट है सेट, एकदम ओके है। दोस्तों काम तो बहुत आता है, लेकिन जो काम मेन काम होता है उसी का मैं वीडियो बनाता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके हो चुका है, अब हम कर देते हैं इसको फिटिंग। ये वायर है, हम वाटर सॉकेट लगा देंगे, फिर इसको फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग करके आपको दिखा देते हैं, वो तो आप जानते हैं फिटिंग किस तरह से करना होता है। तो ये कंप्लीट है, अब दोस्तों इसे करना है वाटरप्रूफ। जो समस्या आई थी वो नहीं आई, इस वजह से इसे वाटरप्रूफ करना है। तो यहाँ ये जो बोन पिक्स है, इसके चारों तरफ फिटिंग के चारों तरफ लगा लेनी है, और ये कंप्लीट हो चुका है।